सो हे गाइस वेलकम बैक। आज का हमारा लेसन है मैं जिस दिन भुला दूं संग भाई जुबिन नौटियाल एंड तुलसी कुमार, बहुत ही ऑसम सॉन्ग है गाइस। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है पंकज, आप देख रहे हैं मेरा चैनल अकोस्टिक पंडित। सो गाइस सबसे पहले हम देखते हैं की ऑफ दिस सॉन्ग। सो की ऑफ दिस सॉन्ग इज जी शार्प माइनर। गॉट इट? जी शार्प माइनर की में सॉन्ग प्ले होगा। अब इसका मतलब क्या होता है की ऑफ दिस सॉन्ग का? So, इसका मतलब ये है कि ये जो सॉन्ग है वो इसी स्केल के अंदर प्ले होगा, यानी कि इस स्केल में जो नोट्स आते हैं और उन नोट्स की जो कॉर्ड्स बनती हैं वही इस सॉन्ग में प्ले होंगे। गॉट इट? सो आज का जो लेसन है थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला गाइज, इंटरेस्टिंग होगा, मज़ा आएगा आपको। आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले जी शार्प माइनर जिस स्केल के ये गाना है उसको हम खंगालेंगे, उसमें देखेंगे कौन कौन सी कॉर्ड्स लगती हैं और वो बनती कैसे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये जानेंगे, उसके बाद जानेंगे उन कॉर्ड्स में से इस सॉन्ग के अंदर कौन सी कॉर्ड यूज़ होंगी, और थर्ड स्टेप हमारा रहेगा कि केपो लगा के उसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे लगाना है केपो और कैसे कन्वर्ट करनी है कॉर्ड्स, वो भी आपको बताऊंगा आज। तो ये हमारे रहेंगे तीन स्टेप। सो सबसे पहले आते हैं हम फर्स्ट स्टेप पे। सो जी शार्प माइनर की में मैंने आपको बता दिया कि गाना है। अब इसको हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी कॉर्ड्स यूज होती हैं जी शार्प माइनर में। तो ये है माइनर कॉर्ड। अब माइनर कॉर्ड में एक फॉर्मूला याद रख लो गाइस कि जो फर्स्ट कॉर्ड है और जो फोर्थ कॉर्ड है और फिफ्थ कॉर्ड है, 1 4 5 ये हमेशा माइनर कॉर्ड बनेंगी, और जो 3 6 7 ये जो है हमेशा मेजर कॉर्ड्स बनेंगी। 1 4 5 माइनर एंड 3 6 7 मेजर, और सेकंड कॉर्ड जो रहेगी सेकंड नोट के कॉरस्पॉन्डेंस वो रहेगी डिमिनिश्ड कॉर्ड। अब देखते हैं इस केस में वो कॉर्ड्स क्या बनती हैं। सो पहली कॉर्ड मैंने आपको बताई माइनर, जो की रहेगी वो है जी शार्प माइनर, पहली कॉर्ड। सेकंड कॉर्ड मैंने आपको बताई डिमिनिश्ड, वो इस केस में आ जाएगी ए शार्प। अब डिमिनिश्ड कॉर्ड बहुत कम यूज़ होती है गाइज, इसलिए इसमें हम ज़्यादा फोकस करेंगे नहीं, इसको छोड़ देते हैं। थर्ड कॉर्ड मैंने आपको बताई मेजर कॉर्ड, सो इस केस में आ जाएगी बी मेजर। फोर्थ कॉर्ड एंड फिफ्थ कॉर्ड मैंने आपको बताई माइनर, सो वो हो जाएगी सी शार्प माइनर एंड डी शार्प माइनर, ये होगी पांच कॉर्ड्स। अब सिक्स्थ एंड सेवन्थ मैंने आपको बताई मेजर कॉर्ड्स, तो वो इस केस में बन जाएंगी ई मेजर एंड एफ शार्प मेजर। गॉट इट? सो सात नोट होते हैं, सात ही होती हैं कॉर्ड्स किसी भी स्केल में। सो किसी भी स्केल में मतलब जो माइनर स्केल की हम बात कर रहे हैं। सो सबसे पहली कॉर्ड आ जाएगी जी शार्प माइनर, उसके बाद ए शार्प डिमिनिश्ड, थर्ड कॉर्ड बी मेजर, फोर्थ सी शार्प माइनर, फिफ्थ डी शार्प माइनर, सिक्स्थ ई मेजर एंड सेवन्थ एफ शार्प। गॉट इट? तो ये तो होगी जी माइनर स्केल, सॉरी जी शार्प माइनर स्केल। ओके, सो अब हम देखेंगे इस सॉन्ग में कौन कौन सी कॉर्ड यूज होंगी। सो वैसे तो इस सॉन्ग में सारी की सारी कॉर्ड यूज हो रही हैं, 6 की 6 डिमिनिश्ड को छोड़ के, और एक एडिशनल कॉर्ड भी यूज हो रही है, वो है डी शार्प मेजर। ठीक है, डी शार्प मेजर। लेकिन जो लेसन है इसमें मैं आपको सिर्फ 5 कॉर्ड बताऊंगा, क्योंकि इसी पे हमारा गाना बहुत ही प्यार से बहुत ही स्मूथली प्ले होता है। सो जो एलिमिनेट करनी है कॉर्ड वो है डी शार्प माइनर, यहाँ पे प्ले होती है। सो 5 कॉर्ड कौन कौन सी यूज करेंगे फटाफट देखते हैं। जी शार्प माइनर, सी शार्प माइनर, एफ शार्प, बी मेजर एंड ई मेजर, ये 5 कॉर्ड पे हमारा गाना बहुत ही प्यार से प्ले हो जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई भी कर देते हैं, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम यूज करेंगे केपो। सो केपो हमने लगा दिया 4th फ्रेट पे। अब देखो जो जी शार्प की जो शेप थी वो बन गई ई माइनर की, तो जी शार्प को हमने ई में कन्वर्ट कर दिया, तो कितने नोट हम पीछे गए। जी शार्प से पीछे क्या आता है जी, उसके पीछे क्या आता है एफ शार्प, उसके पीछे क्या आता है एफ, उसके पीछे क्या आता है ई। सो हम लोग 3 नोट का गैप लेके चल रहे हैं, तो ऐसे ही जो सारी बाकी की कॉर्ड्स हैं वो भी कन्वर्ट हो जाएंगी। सो पहली कॉर्ड क्या हो जाएगी ई माइनर, दूसरी कॉर्ड जो सी शार्प माइनर है वो क्या बन जाएगी ए माइनर, जो एफ शार्प है वो बन जाएगी डी मेजर, जो ई है वो बन जाएगी सी, और जो हमारी बी है वो बन जाएगी जी। अगर थोड़ा कंफ्यूजन हो फिर से रिवाइंड कर लेना स्टेप को और देखना कि हम 3 नोट पीछे जा रहे हैं। सो केपो के साथ ई माइनर, ए माइनर, डी मेजर, सी मेजर एंड जी मेजर, ये 5 कॉर्ड लगेंगी, गाना इसमें प्ले हो जाएगा। अब जो एडिशनल कॉर्ड जो मैंने आपको बताई थी वो इस केस में बन जाएगी बी मेजर, लेकिन हम यूज नहीं कर रहे। अच्छा, जिनको बिल्कुल ओरिजिनल कॉर्ड यूज़ करनी है ना, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप,
थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं करना, वो गाइस डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, वहाँ पे मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ओरिजिनल कॉर्ड्स के साथ लिख के रखा है, वहाँ पे आप उसको चेक कर लेना। अब देखते हैं इसका स्ट्रमिंग पैटर्न। तो स्ट्रमिंग पैटर्न में आपको दो बता देता हूँ। पहला स्ट्रमिंग पैटर्न कुछ ऐसे प्ले हो जाएगा, ओके कैसे प्ले हो रहा है देखना ध्यान से स्लोली, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप और स्लोली डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप। ये तो हो गया पहला स्ट्रमिंग पैटर्न। अब दूसरा स्ट्रमिंग पैटर्न, इसमें हम क्या करेंगे कि जो डाउन स्ट्रोक है फोर्थ स्ट्रोक आएगा ना डाउन हमारा, उसको एलिमिनेट कर देंगे। तो कैसे हो जाएगा, डाउन डाउन अप अप डाउन अप डाउन डाउन अप अप डाउन अप, समझ रहे हो? तो ध्यान से देखना, डाउन डाउन अप अप डाउन अप। सो दोनों को एक साथ प्ले करके दिखाता हूँ क्या डिफरेंस है। पहले देखो डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप, ये कंटिन्यूअस है। दूसरा है डाउन डाउन अप अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप अप डाउन अप। आपको जौन सा अच्छा लग रहा है आप उसको यूज़ कर लेना, आपको गाना बहुत ही प्यार से प्ले होगा, ठीक है। सो हमने कॉर्ड्स भी देख ली, डिटेल में देख ली, उसके बाद हमने स्ट्रमिंग पैटर्न भी जान लिया। फटाफट देखते हैं कौन सी कॉर्ड को कहाँ पे यूज़ करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं।